ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। आरोपी के कब्जे से 250 ग्राम अफीम बरामद की गई। प्रेशर गाड़ी भी बरामद कर ली गई। एएसआई पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक एएसआई नशा तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। अफीम की तस्करी कर रहा था, ब्रेजर गाड़ी थी। और ये गाड़ी जब पुलिसकर्मियों ने पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो उन पर भी चढ़ाने की कोशिश की एएसआई ने, लेकिन पकड़ा गया और अब गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है एएसआई के खिलाफ। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन का यह मामला, जहां पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई और अब एएसआई पकड़ा गया है। 250 ग्राम अफीम बरामद की गई है और जो गाड़ी थी ब्रेजर गाड़ी, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने। एएसआई पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। अंबाला में अफीम के साथ पकड़ा गया एएसआई। आज गाड़ी में चेकिंग के दौरान एक राजस्थान का आदमी है, उससे 250 ग्राम अफीम बरामद हुई थी, जिसने अंबाला में एक मुलाजम को दे दी थी। निरंजन नाम का मुलाजम है, जो स्टेशन पे उसको घेराबंदी करके पकड़ा, तो उस पर मोटरसाइकिल पे गाड़ी चढ़ा दी इसने और मुलाजमों के साथ हाथापाई की। किसने की है? ये निरंजन केस है। अंबाला में अफीम के साथ एक एएसआई पकड़ा गया और एएसआई के पास से करीब 250 ग्राम जो है वो अफीम बरामद की गई है। गाड़ी जो थी उसके पास वो भी कब्जे में ले ली गई। और राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से। राजकुमार, क्या कुछ पूरी जानकारी? एक एएसआई अफीम के साथ पकड़ा गया। जी बिल्कुल, ये जो एएसआई निरंजन सिंह है, ये अंबाला नारकोटिक दल में लगा हुआ है। इससे पहले जो है सीआईए में भी काम कर चुका है और इसकी ड्यूटी जो थी फिलहाल अंबाला के नारकोटिक दल में थी। हालांकि इसका जिम्मा जो नशा बेचने वाले उसको पकड़ने का था, लेकिन ये उसके साथ मिलके नशे की तस्करी में लिप्त पाया गया है। और इसके साथ ही झालावाड़ राजस्थान का जो है एक शिवचरण नाम का युवक है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ाया। और ये शिवचरण, पुलिस का कहना है कि जो शिवचरण है ये झालावाड़ से अफीम लेके आया था और इसको सप्लाई करनी थी, और जिसका जो है सीआईए जीआरपी को पहले से सूचना थी और उन्होंने ट्रैपिंग लगा रखी थी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों ये व्यक्ति जो है एक कार में बैठे हैं और उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने अपनी क्रेटा से मोटरसाइकिल टक्कर भी मारी, लेकिन पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। जी जी, क्या जब इस एएसआई को पकड़ा गया उस वक्त ये खुद भी नशे की हालत में थे? जी नहीं, नशे की हालत में तो नहीं थे, लेकिन जो ये पुलिस वाला है इसका जीआरपी का कहना है कि ये काफी लंबे समय से इस काम में संलिप्त था और जिसकी इन्हें सूचना थी और इन्होंने इसलिए ट्रैपिंग लगाई थी। और जैसे ही इनको ये दोनों युवक दिखे, इन्होंने इनको पकड़ कर इनके कब्जे से जो है 250 ग्राम अफीम जो है वो बरामद की। जी, और इस मामले में क्या कुछ जानकारी है? जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जो हवा सिंह है, जो सब इंस्पेक्टर है जो जांच कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब इनको इनकी गाड़ी को रोकने के लिए कृष्ण कुमार नामक जो कांस्टेबल है उसने अपनी मोटरसाइकिल आगे लगाई, तो इन्होंने मोटरसाइकिल पर जो है गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जीआरपी के एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने की वजह से इन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया है। फिलहाल जो है ये पुलिस गिरफ्त में है और इनको जो है एक पुलिस जो है इनका रिमांड लिया जाएगा ताकि पता लग सके कि ये एएसआई जो है कब से इनके साथ मिलकर अफीम की तस्करी कर रहा था और किस किस को जो है ये सप्लाई किया करता था। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए राजकुमार बहुत शुक्रिया आपका।